नटू काका जी सेठ जी, बाका का कोई फोन तो नहीं आया ना? नहीं सेठ जी। बहुत टाइम हो गया। हाँ सेठ जी, टाइम तो बहुत हो गया। क्या लगता है नटू काका, ये लोग ठीक से पता तो लगा पाएंगे ना? डोंट वरी सेठ जी, बागा बहुत ही होशियार लड़का है। नहीं नहीं, बागा का टेंशन नहीं, वो बावरी साथ में है ना, मुझे उसका टेंशन है। वो क्या बार बार गलती से मिस्टेक करती रहती है ना? डोंट वरी सेठ जी, थिंक पॉजिटिव। सेठ जी, अरे आ गया बागा। क्या सी क्या सियाण? ज़ेब्रा। क्या ज़ेब्रा? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि पता चला वो लोग मोबाइल का क्या करने वाले? सेठ जी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? हम लोग उनका पीछा कर ही रहे थे कि बीच में अचानक सिग्नल आ गया। तो? तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? सिग्नल, बावरी जी ने। फिर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अरे तो फाइन भर के फटाफट आगे निकल जाने का ना। फाइन दे देते सेठ जी, लेकिन वो बावरी जी का लाइसेंस उनके पर्स में था। अरे तो पर्स में से लाइसेंस निकालने में कितनी देर लगती है? वो गलती से बावरी जी अपना पर्स यहाँ दुकान में ही भूल गए थे। क्या? हाँ। ये देखिए, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। उस चक्कर में वहाँ देर हो गई और वो लोग लुप्त हो गए। देखा देखा नटू काका, मैं कह रहा था ना, मुझे बावरी का टेंशन है, कर दी ना उसने गलती से मिस्टेक। सॉरी। अरे क्या सॉरी, तेरी एक गलती की वजह से देश को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा पता है तुझे? नहीं पता नहीं कितना। बागा। सॉरी सेठ जी। सेठ जी अब जरा ये तो सोचिए, आपकी मदद करने के लिए बावरी जी ने सिग्नल तोड़ा, वरना बावरी जी कभी सिग्नल नहीं तोड़ते। नहीं बावरी जी? हाँ कभी नहीं, सॉरी। बावरी जी जाइए। सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। अभी कैसे पता लगा है ये सेवक लाल फोन का क्या करने वाला है? पता तो लगाना पड़ेगा सेठ जी। किसको फोन कर रहे हैं? मेहता साहब को। हाँ देशाल बोलो, कुछ पता चला? नहीं मेहता साहब। तू क्या हुआ, पीछा नहीं किया? नहीं पीछा तो किया। तो? वो पीछा करने के लिए मैंने बाघा और बावरी को भेजा था। तो बाघा बावरी को क्यों भेजा जेठालाल? और क्या कि मैंने सोचा मैं ऑटो में पीछा करूंगा तो उनकी गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी। और क्या, बावरी दुकान में आई हुई थी और उसके पास स्कूटर है, इसलिए मैंने बाघा और बावरी को भेजा पीछा करने के लिए। क्या हुआ क्या फिर? फिर हुआ यूं कि वो तो अब वही आप बताइए क्या करें। मैं इसी वक्त तुम्हारे दुकान पे आता हूँ, हम लोग मिलके कुछ सोचते हैं। आप ऑफिस छोड़ के दुकान आ रहे? जेठालाल ये देश का मामला है, और ऑफिस क्या देश से बड़ा होता है? देश से बढ़कर कुछ नहीं है जेठालाल। कोई नेता इस तरह से भोली भाली जनता को ठग रहा हो तो क्या ये तारक मेहता उसे छोड़ देगा? किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे उसे जेठालाल। देश को नुकसान पहुंचे ऐसी किसी भी चीज को रोकना हमारा फर्ज है। वाह वाह मेहता साहब, ये हुई ना कुछ बात। आइए आइए मिलके सोचते हैं। ठीक है मैं अभी आता हूँ जेठालाल। मेहता साहब आ रहे हैं। बहुत टाइम लग गया नहीं मेहता साहब को आने में? हाँ। अरे आ गया। जैसे मैं पूरे रास्ते एक ही बात सोचते हुए आया हूँ कि भाई हमें जो कुछ भी करना आज ही करना, वक्त नहीं है हमारे पास। कल तो चुनाव का दिन है, इलेक्शन है, पर अगर वो नेता कुछ गलत कर रहा है तो हमें आज का आज ही उसे रोकना होगा। एक बात तो पक्की है मेहता साहब, ये सेवक लाल मुफ्त में मोबाइल देके सामने वोट खरीद रहा है। ये तो सरासर असंवैधानिक है भाई, बिल्कुल गैर कानूनी। लेकिन जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है? सोचिए सोचिए मेहता साहब, कुछ सोचिए। एक आइडिया है। क्या क्या क्या? सेवक लाल खुद तुम्हें बताएगा कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अच्छा? अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, उसके वो तो पंटर लोग आए थे, उन दोनों को मैं पूछ पूछ के थक गया।
कम से कम ये तो बताओ कि भाई मोबाइल कौन से एड्रेस पे ले जा रहे, वो भी बताने को तैयार नहीं थे, और आप कह रहे कि सेवक लाल खुद बताएगा। यही तो बोला मैं अभी जेठालाल, एग्जैक्टली यही बोला मैं, सेवक लाल खुद तुम्हें बताएगा कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अरे पर कैसे बताएगा, वो तो बताओ। देखो जेठालाल, यदि हमें मछली फंसानी हो तो हमें क्या करना होता, कांटा डालना, और कांटे में कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ती है जिस देख के मछली खुद खुद चली आए और फंस जाए। अरे मेहता साहब, ये शुद्ध शाकाहारी आदमी के सामने मछली काटा, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? जेठालाल उदाहरण दे रहा हूँ, मछली मतलब सेवक लाल, और उसको फंसाने का कांटा मतलब लालच, समझे? नटू का आप समझे? नहीं सेठ जी। बाघा? नहीं। ये दोनों नहीं समझे, जरा विस्तार से समझाइए। देखो जेठालाल, सेवकलाल वैसे भी तुमसे काफी मोबाइल ले रहा है। हाँ। अब तुम उसे कोई ऐसा ऑफर दो जिसकी लालच में आकर वो बता दे कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अरे पर ऐसा क्या ऑफर दे? जेठालाल यार तुम व्यापारी हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसी 50 चीजें होंगी जो ग्राहक के फायदे के लिए हो, ऐसा ही कुछ बताओ जिससे उसे लगे कि बड़ा फायदा हो रहा है। अरे भाई तुम जानते हो ना, अगर गुड़ दिखेगा तो चींटियां अपने आप खींची चली आएगी। सोचो 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 कुछ सोचो। ठीक है सोचता हूँ। सुनो, लेकिन मेहता साहब वो ये सब बोले ना तभी आप छुप के मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेना, तो हमको उसके खिलाफ जो सबूत चाहिए वो मिल जाएगा। बिल्कुल, और चुनाव आयोग को सबूत भी मिल जाएगा, इस सेवक लाल का सारा गोलमाल पकड़ा जाएगा। वाह सेठ जी वाह, क्या जबरदस्त आइडिया सोचा है। मान गए आपको और आपकी व्यापारी बुद्धि को, क्या बात है। नहीं जेठालाल, आइडिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक समस्या है, क्या सेवक लाल मिलने के लिए तैयार होगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, अभी फोन करके देखता हूँ ना। फोन करो। हाँ, ओके ओके सेठ जी, सीधा फोन नहीं, मैसेज करो। क्यों मैसेज? क्यों मैसेज? से बात का वजन बढ़ जाता है। पर मैसेज में क्या लिखूं? बिल्कुल सही कहा नटू काका, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज लिखो, सेवक लाल के फायदे की बात है, फ्री होते ही कॉल करना। हाँ रहिए सेठ जी, मैं फटाफट टाइप करके ले ले ले, जल्दी जल्दी कर जल्दी कर। सेठ जी टाइप हो गया। मेहता साहब ये देखिए। हाँ बिल्कुल सही, बस अभी भगवान का नाम लेके सेंड कर दे। जी हो गया सेंड, ये लीजिए। बस अब हमने पासा फेंक दिया है, अब देखते हैं सेवक लाल क्या करता है। अरे जीत तो अपनी पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। अरे दुकान वाले ने मैसेज भेजा है, आपके फायदे की बात करनी है, फ्री हो तो कॉल करना। चल चल सेवक लाल जी को बताते हैं। मेहता साहब आधा घंटा हो गया, ना हमारे मैसेज का कोई जवाब आया, ना उनका कोई फोन आया। जेठालाल हमने भी नॉर्मल मैसेज नहीं किया है, तो वो लोग भी सोच में पड़ गए होंगे, रिएक्ट करने के पहले थोड़ा सोचने विचारने में टाइम लगेगा। जरा सब्र रखिए सेठ जी, मुझे लगता है उनका फोन जरूर आएगा। व्हाट्सएप आएगा? हाँ आएगा, उनका फोन आएगा। आ गया, पता सब आ गया, उनका फोन आ गया। वेरी गुड जेठालाल, बिल्कुल मत घबराना और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करना। आप देखो खाली मैं कैसे बात करता हूँ। हेलो कौन बोल रहे हैं? जय भाई के विजय भाई। जय बात कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ जय भाई, पहुँच गए ना सब मोबाइल ठीक से? हाँ हाँ पहुँच गए। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो बोलिए कैसे फोन किया? अरे कैसे फोन किया क्या, वो आपने मैसेज किया था ना मुझे। अरे हाँ 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 हाँ, मैंने सोचा कि आप लोग बिजी होंगे तो पहले जरा मैसेज करके देखता हूँ, इसलिए मैसेज किया है। अच्छा बताइए वो क्या लिखा था आपने, सेवक लाल जी के फायदे की बात है। अरे जय भाई, फायदे मतलब बहुत फायदे की बात है सेवक लाल जी के लिए। अच्छा तो बताइए। वो मेवालाल जी है ना जो सेवक लाल जी के सामने खड़े है चुनाव में, जिनका चुनावी चिन्ह वो काजू है। हाँ तो उसका क्या है? उनका मुझे फोन आया था। अच्छा क्या बोले वो? वो बोले के अच्छा जय भाई, आप अकेले है ना, आपके आसपास आपकी बात को सुन तो नहीं रहा है ना? अरे नहीं नहीं, मैं अकेला ही हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ, बताइए आप। हाँ तो वो बोल रहे थे कि जय भाई देखिए क्या है, ये बात है ना बहुत विस्फोटक है, तो ऐसे फोन पे बताना अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए रूबरू मिलना पड़ेगा जरा। हाँ तो आप हमारी पार्टी के ऑफिस में आ जाइए, हम मिल लेते हैं। हम मतलब मैं और आप। जय भाई बुरा मत लगाना, देखिए क्या है ये जो बात है ना, वो अगर मैं डायरेक्ट सेवक लाल जी को बताऊं ना तो जरा अच्छा रहेगा। देखिए अभी सेवक लाल जी जो है वो चुनाव में व्यस्त है, तो चुनाव के बाद आप आराम से मिल लीजिए, तब तक आप मुझे मिल लीजिए। देखिए मेरी बात मानिए जय भाई, ये जो बात है ना वो सेवक लाल जी का बहुत काम की बात है, और मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हाँ अपनी बात करके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है मैं सेवक लाल जी से बात करता हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ 5 मिनट ही मिलेंगे। अरे भाई चाहिए तो आप 5 मिनट का अलार्म लगा देना भाई, अलार्म बजते ही मैं उठ जाऊंगा सीधा बार। ठीक है आ जाइए। ओके थैंक यू। मान गए बेटा लाल, बुला लिया मिलने के लिए। क्या बात है जनरल, क्या अच्छे से बात की तुमने। थैंक यू माता साहब, थैंक यू। लेकिन अभी तो सिर्फ पहला पड़ाव पार हुआ है जेठालाल, अभी मुख्य पड़ाव बाकी है, सेवक लाल से बातचीत। वैसे अभी बातचीत की है ना, बस वैसे शानदार बात करके उसको ऐसा फुसलाना कि अपने काले करतूतों का राज वो खुद खोल दे। और आप भी मेहता साहब वो सब रिकॉर्ड कर लेना, भूलना नहीं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, और सारे सबूत फिर चुनाव आयोग, बस अब समय आ गया, असत्य पराजित होगा और सत्य की विजय होगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बस 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 इधर कितना हो गया भाई? थैंक यू। इस बार का इलेक्शन है रोचक ना जेठालाल, 10 प्रत्याशी हैं इस बार, टफ कंपटीशन है। लेकिन ये सेवालाल को सबसे ज्यादा खतरा मेवालाल से है। अच्छा ये देखो ना, ऑफिस भी बिल्कुल उसके सामने ही खोल के बैठा है। अरे हाँ चले चल। मेहता सर रेडी? हाँ बिल्कुल रेडी। तो मैं क्या कहता हूँ रिकॉर्डिंग अभी से चालू कर दो ना। सही रहेगा। नमस्ते काजल जी। नमस्ते जी। नमस्ते। जय भाई ने मिलने बुलाया है। अच्छा अच्छा मैं बुलाती हूँ। जय। हाँ देखिए नमस्ते जय भाई, आ गए हम लोग। ये कौन है? ये मेहता साहब। भाई मेहता साहब हो कि कहता साहब हो, आपके साथ क्यों आए? वो मैं इनका बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं इनका व्यवसाय का सलाहकार हूँ। हाँ सलाहकार, बहुत बड़े सलाहकार है मेरे। ये क्या है कि मैं किसी भी मीटिंग में इनके बगैर नहीं जाता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो चले सेवक लाल जी से मिलने। हाँ चलिए। एक मिनट मोबाइल लाइए। मोबाइल तो आप सब ले गए ना। देखिए मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, मैं वो मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के दोनों के मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल क्यों? हाँ क्यों? सिक्योरिटी के लिए। वो क्या है ना आजकल स्टिंग ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं। हे अरे
क्या जय भाई, बस ना, आप हम पे ही शक कर रहे हैं। अरे हम तो आप ही के टीम के हैं। देखिए एक बार मैंने कहा ना कि सेवक लाल जी के पास मोबाइल लेके कोई भी नहीं जा सकता, और हाँ ये रूल जो है वो सेवक लाल जी ने ही बनाया। लाइए अपना मोबाइल दीजिए, और वो भी स्विच ऑफ करके दीजिए। स्विच ऑफ करके क्यों? वो आप खुद सेवक लाल जी से ही पूछ लीजिएगा। लाइए फोन लाइए। देखते आइए 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 जेठालाल जी। जेठालाल जी, ये श्रीमान कौन है आपके साथ? ये इनके बिजनेस पार्टनर है। नहीं नहीं, बिजनेस पार्टनर नहीं, मैं इनका बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हमारे ऑफिस में आप लोगों का स्वागत है। आइए बैठिए। क्या बात है जेठालाल जी, कोई समस्या है? समस्या नहीं। आप दोनों थोड़ा नर्वस लग रहे हैं। नर्वस नहीं। ये लीजिए लॉलीपॉप खाइए। लॉलीपॉप नहीं, थैंक यू। जेठालाल जी, ये लॉलीपॉप हमारा चुनावी चिन्ह है, आप इसे मना नहीं कर सकते। लीजिए लीजिए, खाने के बाद मीठा खाने की आदत है ना, आज खाना खाया नहीं है, तो खाना खाने के बाद खा लेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन खाइएगा जरूर। हाँ, हाँ तो बताइए जेठालाल जी, जय बता रहा था कि आपको मेवालाल का फोन आया था। हाँ, मेवालाल जी का फोन आया था मुझे। क्या कहा मेवालाल? उन्होंने कहा नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ये हमारे आदमी। आप बोलिए। दरअसल उन्होंने मोबाइल का ऑर्डर देने के लिए मुझे फोन किया था, और उनको डिलीवरी आज के आज ही चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि इतने सारे मोबाइल का आपको करना क्या है, तो उन्होंने कहा कि गरीब नगर बस्ती में वो सबको मोबाइल फ्री में बांटेंगे। हाँ, असल में वो मेवालाल जी मोबाइल फोन दे के पूरे परिवार के वोट लेना चाह रहे। तो सिर्फ आपसे पूछना है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो जो मोबाइल फोन की डिलीवरी हम आपको देने वाले थे वो उनको दे दे। नहीं, आप ऐसा हरगिज मत कीजिए, मैं ही आपके सारे मोबाइल ले लूं। अरे पर सेवकलाल जी, आपको तो मोबाइल अपने कार्यकर्ताओं को देने हैं ना, और अभी चुनाव का प्रचार तो बंद हो गया, तो अभी कार्यकर्ताओं को फोन देके फायदा क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं, अब क्या फायदा? देखिए आप लोग समझ नहीं रहे, करीब नगर इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जिसे गरीब नगर के लोगों का वोट मिला समझो वो चुनाव जीत गया, और मैं वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मतलब मैं भी मेवालाल की तरह गरीब नगर के लोगों में फ्री में मोबाइल बांटूंगा। एक मोबाइल के बदले मुझे कम से कम 10 वोट मिलेंगे। 5,000 मोबाइल बांटने पर मुझे 50,000 वोट हासिल होंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, अब ऐसे एक सवाल था दिमाग में कि मान लो कोई मोबाइल फोन ले ले और वोट ना दे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास इसकी पूरी व्यवस्था, कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। वैसे भी गरीब जनता बेचारी भोली है, मोबाइल के बदले, पैसों के बदले या फिर अन्य किसी प्रलोभन के बदले वोट दे ही देती है। अरे सेवक लाल जी, आप ये क्या कह रहे हैं, ये सब बातें इनके सामने क्यों कह रहे हैं? इनके सामने बोलने में कोई समस्या नहीं है, अभी हमारे पार्टनर, हमारी वजह से लाखों का फायदा हुआ इनका। क्यों जेठालाल जी? जेठालाल जी, हम इस तालाब के मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छ से बैर कभी नहीं लेना चाहिए, वरना दुकान धंधा पानी सब खतरे में आ जाए।
अब बताइए जेठालाल जी, आप ये मोबाइल वाली बात बाहर किसी को बताएंगे? दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक नशा होता है सत्ता का नशा, ताकत का नशा, जो इस वक्त सेवकलाल के सर चढ़कर बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके बावजूद धमकी दे रहा है जेठालाल को। चाचा जी का शक शत प्रतिशत सही निकला। गरीब नगर नाम की बस्ती में बांटने वाला मोबाइल फोन सेवक लाल, और बदले में चाहता है जनता से वोट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसे रोके कैसे? पुलिस कंप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो अब जो भी करना है हमें ही करना है। तो अब शुरू होगी एक सामान्य इंसान और एक शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति के बीच जंग। अब इस जंग में कौन विजेता होता है और हम उसे रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते, रोकने के लिए क्या क्या करते हैं, सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.